हेलो नमस्ते आदाब, द लीडर हिंदी के सिने जगत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अलना। आज सबसे पहले बात करेंगे विरुष्का यानी विराट अनुष्का की। जी हाँ, अनुष्का विराट ने साल 2017 में इटली में शादी की थी। दोनों की वेडिंग फोटोज मानो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही थी। तब से अब तक किसी भी सेलिब्रिटी की शादी क्यों ना हो, विरुष्का का नाम जुबान पर आ ही जाता है। साल 2021 की शुरुआत से ही सेलेब्स की शादी की लाइन लग गई है। छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, वेडिंग फोटोज आए दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हैं। यानी आज 11 दिसंबर को एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है। दोनों के इस खूबसूरत पेयर को पूरा करती हैं उनकी नन्ही बेटी वामिका। नेटफ्लिक्स रहस्य और रोमांच की दुनिया गढ़ने में माहिर है और अब OTT प्लेटफॉर्म ने अपनी नई सीरीज अरण्यक रिलीज कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, अरण्यक से रवीना टंडन OTT की दुनिया में कदम रख रही हैं और उनका साथ दिया है आशुतोष राणा, परमव्रत चटर्जी और जाकिर हुसैन ने। वेब सीरीज में जंगल के जरिए एक ऐसा रहस्य रचा गया है जो आखिर तक बांधे रखता है। एक्टिंग के मामले में रवीना टंडन ने एक नया पक्ष एक्सप्लोर किया है। वो एक एक्टिंग से दिल जीतने में कामयाब रही हैं। अरण्य की कहानी शुरू होती है विदेशी टूरिस्ट की बेटी के कत्ल के साथ। इस कत्ल की गुत्थी उलझती जाती है। जैसे ही सीरियल किलर का ये केस आता है, उस समय कस्तूरी डोगरा यानी रवीना टंडन छुट्टी पर जाने का प्लान कर चुकी होती हैं और परमव्रत की एंट्री होती है। इस तरह कहानी में कई मोड़ आते हैं और इसमें राजनीति, सीरियल किलर, दहशत और इमोशंस का जोरदार मिश्रण देखने को मिलता है। गोलू मोलू सी कॉमेडियन यानी भारती सिंह ने अपने आने वाले बेबी की खबर को कंफर्म कर दिया है। भारती ने खुशी में डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। पिछले दिनों भारती सिंह अपने वजन कम करने को लेकर खबरों में आई थी। इसके पहले भारती की दोस्त मीडिया के सामने उनकी प्रेगनेंसी की बात की थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो में भारती भांगड़ा करती नजर आ रही हैं, वहीं वो शॉकिंग रिएक्शन भी दे रही हैं। वहीं दूसरी फोटो में पति हर्ष लिम्बाचिया, जैस्मिन वसीन और अली गोनी के साथ भारती नजर आ रही हैं। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा अपने प्रतियोगियों से लेकर कंटेंट तक को लेकर सुर्खियां बटोरता है। शो में आए पार्टिसिपेंट्स भी शो के दौरान फैंस के दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाते हैं कि फैंस उन्हें शो खत्म होने के बाद भी पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। ऐसे ही बिग बॉस के कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिनके बारे में साल 2021 में सबसे ज्यादा ट्वीट्स किए गए। ट्विटर ने 2021 को लेकर अपने ट्रेंड रिलीज कर दिए हैं। ट्विटर की बिग बॉस जुड़ी हस्तियों को लेकर हुए सबसे ज्यादा ट्वीट्स के मामले में सिद्धार्थ शुक्ला ने बाजी मार ली है। साल 2021 में ट्विटर पर जिन बीबी कंटेस्टेंट्स ने राज किया है, उसमें सबसे पहले सिद्धार्थ का नाम आता है। शो के विनर बने सिद्धार्थ के साथ शहनाज गिल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसलिए साल 2021 में सबसे ज्यादा ट्वीट्स के मामले में शहनाज गिल तीसरे नंबर पर हैं। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उर्वशी ने बेंजामिन नेतन्याहू को भारत की ओर से बेहद यादगार तोहफा दिया। उर्वशी ने गिफ्ट में नेतन्याहू को हिंदुओं की पवित्र किताब भगवद गीता तोहफे में दी है। उर्वशी ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री को मुझे और मेरे परिवार को इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। पोस्ट में आगे लिखा, माय भगवद गीता, जब किसी सही शख्स को सही समय और सही जगह पर दिल से कोई तोहफा दिया जाए और बदले में किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद ना हो, तो वो तोहफा हमेशा प्यार होता है। तो वहीं इस मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपने देश की राष्ट्रीय भाषा भी सिखाई। उर्वशी का ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2021 के सिलसिले में था। उन्हें इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बतौर जूरी मेंबर आमंत्रित किया गया था। और फिलहाल सिने जगत की खास पेशकश में इतना ही। अन्य खबरों के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।